का 5 लाख रुपए कमाता है, बहुत अच्छा रिश्ता है साहब। आप लेकर आए हैं तो अच्छा ही होगा ना। आप तो ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो देखिए लड़की भी आ गई। कैसी लगी ये? मुझे बहुत पसंद। तो तुम कर लो शादी। शादी उसको करनी है, तुमको नहीं, समझी? तुम बताओ बेटा। मुझे तो बहुत पसंद है माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लड़की से बात करना चाहते हैं? जी नहीं, मुझे बात करनी है। ये कौन है? मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, शादी तो लड़की करेगी ना, वो बात करे तो बेहतर है। हाँ क्यों नहीं, मुझे इनसे बात करनी है। इसलिए? दीदी की पसंद मुझे अच्छे से पता है। तो दीदी बात नहीं करेगी? तुम्हारी बात दीदी ऐसे ही मान जाएगी? मुझे भी बात करनी है। तो बोलो भैया को क्या पसंद है, मैं भी जानती हूँ। कर लो बात। तुम्हारा नाम क्या है? नाम महेश है। डेट ऑफ बर्थ? 15 अगस्त 1986, आजादी वाला दिन। माँ का नाम? दुर्गा देवी। डेट ऑफ बर्थ? माँ का डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1966। पापा का नाम? पुरुषोत्तम। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1954। गर्लफ्रेंड? नहीं है जी। मैं बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की कर रहा हूँ। अनुषा। डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1990। ठीक है दीदी, इसे सबके डेट ऑफ बर्थ याद है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी, तुम्हारा बर्थडे बिना भूले तुम्हें विश करेगा। देखो बात यह है दोस्त के लड़कियों को प्रॉपर्टी से फर्क नहीं पड़ता, पर लड़का मैरिज एनिवर्सरी भूल जाए या बर्थडे भूल जाए तो उन्हें दुख होता है, इसलिए कंफर्म कर रहा था। ओहो। अच्छा तो मेरी दीदी पसंद है, पर क्या इसका ख्याल रखोगे? सोने की जैसे संभाल कर रखूंगा। क्या मतलब है, बॉक्स में रखेगा बंद करके? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं। ठीक है ठीक है, प्यार से पेश आना। ठीक है ना जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे तो चलेगा, लेकिन भैया की बात पे नो कॉम्प्रोमाइज। आपके भैया ने पूरी पिक्चर दिखा दी, मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा? तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देख भाई, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। बहुत प्यार से पाला है, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिख सकता। मेरी बहन मेरी जान है। अगर ऐसा हुआ कि तुमने शादी के बाद मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी नहीं मारूंगा, गलती की तो मारूंगा। आ जा। डैडी, वो लोग जाते जाते आपसे क्या बात कर रहे थे? शादी की बात है, बहुत सारी बातें रहती है। शादी क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बताइए कितना पैसा मांगा? 1 करोड़ मांगा। 1 करोड़? हाँ, इसीलिए थोड़ा सोच में पड़ गया। इसमें सोचने की क्या बात है डैड, मेरे नाम से जो फ्लैट है उसे बेच दीजिए। लेकिन वो फ्लैट तुमने अपने लिए खरीदा है ना? माँ, दीदी पहले है, फ्लैट का क्या है, बाद में खरीद लेंगे। 3-4 दिन में मुझे जॉब मिल जाएगी, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और फिर एक बड़ा सा फ्लैट ले लूंगा। डैड मुझे 10,000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? मुझे जॉब मिल गई है ना, तो फ्रेंड स्ट्रीट मांग रहे हैं, मैंने डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, तो मुझे ये पैसे चाहिए। क्या है, पिताजी के पैसे लूट रहे हो? डैड तो मेरे भी हैं, मैं डैड से पैसे ले रहा हूँ तो तू क्यों दुखी हो रही है? उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए? वो तो अभी अभी दिया है 1 करोड़, और कितना चाहिए? करोड़ों ही नहीं, पूरी जायदाद देनी पड़ेगी। क्यों, नहीं दोगे क्या? डैड जल्दी से शादी करके भगाइए इसे, पूरी जायदाद मांग रही है।
अच्छी रंगोली बनाई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। पहले कभी नहीं देखा? हम यहाँ नए नए रहने आए हैं। तुमने जो रंगोली बनाई है बहुत ही सुंदर है। थैंक्स आंटी। चलती हूँ मैं। हाँ दीदी कॉफी दो ना। आंटी। अरे बेटी। सत्यनारायण भगवान के घर में पूजा हुई थी, उसका प्रसाद लाई हूँ। अच्छा अच्छा। दीदी कॉफी। दीदी कॉफी। मेरा बेटा है ना, उसे उठते ही गर्मा गर्म कॉफी चाहिए। तुम पियोगी कॉफी? नहीं नहीं आंटी। कॉफी लाओ ना दी। बेटी जल्दी से अपने भाई को कॉफी दे दे। माँ आज आप दे दो ना। मैं दे दूँ? अरे उठते ही उसे तेरी शक्ल देखने की आदत है, मेरी नहीं। माँ प्लीज आज के दिन आप दे दो ना कॉफी, प्लीज दे दो। मेरी बेटी है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओ, कुकर की सीटी बज रही है, मैं अभी आती हूँ। हाँ अरे दीदी कॉफी लाओ ना। बेटी अगर बुरा ना मानो तो मेरे बेटे को ये कॉफी देकर आओगी? वो क्या है कि मैं सब्जी बना रही हूँ, वो कहीं जल ना जाए इसीलिए। ठीक है आंटी। देकर आओ बेटी, कमरा उधर है, यहाँ से जाओ। कॉफी। तुम कौन हो? नहीं नहीं तुम्हारी पड़ोसन बनी हूँ। मेरे घर में क्यों आई हो? कॉफी देने के लिए आई हूँ। सुबह सुबह पड़ोसियों को कॉफी देना तुम्हारी आदत है क्या? नहीं बाबा, तुम्हारी माँ ने कहा था इसलिए। ठीक है लाओ। वैसे सर पे क्या है, नारियल वाला हेलमेट है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं चलती हूँ। नाम बताए बिना चलेगी? कितनी बार घूमने दीदी? 108 बार। पैर दुखने लग जाएगा। कोई बात नहीं, घर में बाम है उसे लगा लेना, ठीक हो जाएगा। चक्कर आने लगेंगे। आंखें बंद करके घूमो, चक्कर नहीं आएगा। तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू करो। मैं नहीं, तुम शुरू करो। शुरू करो। मैं क्यों करूं? अरे मैंने मन्नत घूमने के लिए नहीं मांगी है, घुमाने के लिए मांगी है। हाँ मन्नत तुम मांगो और घूमू मैं। क्यों? अपनी प्यारी दीदी के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकता। चलो घूमना शुरू करो। नहीं करूंगा। चलो ना। ठीक है जा तो रहा हूँ, पर तुझे भी 7 बार ऊपर नीचे उतरवाऊंगा। वो बाद में देखेंगे, पहले तुम घूमना शुरू करो। ये ले। अब 108 बार घूमना पड़ेगा। क्यों रुक गए? कौन है ये? वो जो सुबह सुबह कॉफी देने आई थी ना, यही है वो। ये है? सुबह सुबह यही घर आई थी ना, इसकी वजह से आज माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई। देखो जरा कैसे पूजा कर रही है। भाई। दीदी तुम ऐसे ही लड़की ढूंढकर शादी करना। तुझे क्या हो गया दीदी? उसे देखो, वो हमारी तरह टाइम पास के लिए पूजा नहीं कर रही है, दिल से पूजा कर रही है। देखो इसकी पूजा भक्ति, मुझे लगता है ये बहुत संस्कारी लड़की है ना, इसलिए तुम ऐसी लड़की ढूंढो। तो क्यों ना इसी लड़की से शादी कर लूं? मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा भाई। तो ठीक है अभी ट्राई करता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई। हेलो सुनो, उस दिन मेरा नाम बताई चलेगी? अरे हंस क्यों रही हो, नाम तो बताओ। मैं चलती हूँ। नाम बता के जाओ ना यार। ओए कॉफी गर्ल। हाँ? अपना नाम तो बता के जाओ ना। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा नाम यही रख दूंगा। नाम तो बता दो। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने तुम्हारा नाम रख दिया है, पड़ोस की कॉफी गर्ल। मुझे यह नाम पसंद नहीं। हाँ? तुम्हारी पसंद से मुझे क्या लेना देना, मुझे पसंद है ना, यही काफी है। ये क्या बात हुई, मुझे बुला रहे हो और कह रहे हो कि मुझसे कोई लेना देना नहीं? इतने बड़े बड़े सवाल मत किया करो, क्योंकि आंसर दे दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या देख रही हो, और ये बैग किस लिए, कहाँ जा रही हो इसे लेकर? ऑफिस जा रही हूँ। क्या बात है, सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, क्या बात है, तुम तो बहुत बिजी गर्ल हो यार। हाँ जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब, इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हो कि मैं आवारा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? इनडायरेक्टली क्या, मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, आपको कोई जॉब नहीं मिला? बस बहुत हो गया, फालतू सवाल मत करो, खुद से प्यार हो तो ऐसे सवाल मत करना। अब एक काम करो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसे छोड़ दो। मैं मजाक करूं
तो कहते हो कि तुम मुझे मारोगे। मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है तो कहते हो छोड़ दो। तुम क्या लड़कियों से ऐसे ही बातें करते हो? मैं तो ऐसी ही बातें करता हूँ, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मेरी यही आदत है, तुम्हें सहना पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों सहूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब क्या है, प्यार? नहीं, वासना। हाँ? अरे ऐसे मत डरो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ कॉफी गर्ल, अब हाँ बोल दो। अरे बाबा, मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है, इस बात को समझो। कोई चांस ही नहीं है, खुदा ने तुम्हें बनाया है सिर्फ मेरे लिए। अब एक काम करो, नंबर दो अपना। हाँ, मैं नहीं दूंगी। जब होने वाला पति कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। चलो नंबर दो। नहीं दूंगी। जल्दी दो। नहीं दूंगी। दो नंबर। नहीं दूंगी। या आई जस्ट नीड, सॉरी सॉरी सॉरी। ओए पड़ोस की कॉफी गर्ल, तुम यहाँ कैसे? तुम? मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, जॉब पर आज मेरा पहला दिन है। हे भगवान, पर तुम यहाँ कैसे? बदतमीजी मत करना, तुम्हारी टीम लीडर मैं हूँ। हे कांग्रेचुलेशंस। ए, जो मन में आए वो यहाँ बोल नहीं सकते, जो मन में आए वो यहाँ कर नहीं सकते, ये घर नहीं ऑफिस है। मतलब बाहर कर सकते हैं ना? मेरी बात तो। तो क्या? ए, चुपचाप मेरे साथ चलो। कहाँ चलना? मेरे कैबिन में। लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो क्या सोचेगा? ओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये मैं कहाँ फंस गई? मैं सर दबा दूँ? ये तो WWE देख रही है। ओ, तुम हो, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। वो कल मैंने प्रसाद का बर्तन दिया था। वो माँ, वो पड़ोस वाली प्रसाद का बर्तन लेने आई है, वो ले आएंगी, तुम आओ बैठ जाओ। अच्छा, तुमने मेरे भाई के ऑफिस में ज्वाइनिंग की है? नहीं, तुम्हारे भाई ने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है। हाय। ये सिर्फ देखने में गुंडे जैसा लगता है, लेकिन है बहुत भोला भाला। हाँ पता है मुझे, ये बहुत भोला भाला है, और इतना भोला भाला है कि सामने दीदी बैठी है फिर भी उनके सामने लड़की को बिंदास होके आँख मार रहा है। हुँ? सच में? क्यों, तूने आँख मारी क्या? है, चांस ही नहीं है। हाँ? वहाँ इतनी दूर बैठ के क्यों, यहाँ पास में आके बिंदास आँख मारो ना, है ना? हाँ? ये सच में इसकी दीदी है या? कैसा लड़का है ये? ये लो बेटी, प्रसाद का बर्तन। थैंक्स आंटी, जल्दी लाने के लिए, अगर आप देर कर देती तो मैं पागल हो जाती। हुँ? मैं चलती हूँ आंटी। तू भी ना। अच्छा ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बहन जी। लक्ष्मी, एंगेजमेंट फिक्स कर दी। ऐसा क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। आने वाले गुरुवार को। पिताजी। अब वॉलेट में तो पैसे है नहीं बेटी, चाहो तो डेबिट कार्ड से खरीद लो। पिताजी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है बेटी, चाहो तो डेबिट कार्ड यूज कर लो। पिताजी। ये आखिरी के 1000 रुपए बचे हैं मेरे पास, अब चलो यहाँ से। ठीक है पिताजी, घर जाने से पहले साईं बाबा के मंदिर चलते हैं दर्शन करने। समस्त सत्गुरु साईनाथ महाराज देवताभ्यो नमः, आनंद कर्पूर मंगलमः, नीराजलं दर्शयामि, नीराजलानन्तरं प्रसादं समर्पयामि। वो सुनार के दुकान से फोन आया था, हमने ऑर्डर दिया था, वो सब तैयार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या डैड, आप लोग कार में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना बेटा। ओके डैड। हेलो, चल ठीक है। अरे जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, डैड, मॉम, इधर आइए।
दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। दर्द हो रहा है। नहीं दीदी, दीदी नहीं दीदी, दर्द हो रहा है। दीदी नहीं दीदी, पिताजी कहाँ है, माँ कहाँ है, तुम ठीक हो ना? दीदी तुम ठीक हो ना? तुम ठीक? दीदी, 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 दीदी। बेटी, सामने वाले लड़के को नाश्ता दिया क्या? नहीं माँ। एक बार उससे मिल तो लो, बहुत बुरा हुआ उसके परिवार के साथ। ठीक है माँ। जब जाओगी तो बता देना, उसके लिए नाश्ता दे दूंगी तुम्हें। ठीक है माँ। सुनिए, कोई है? वो बेचारा बहुत दुखी होगा। सुनिए। क्या हुआ कॉफी गर्ल? टिफिन क्या सही टाइम पर लाई हो? ऐसा क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है? तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? है ना। लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो क्या दुख को बाहर दिखाना जरूरी है क्या? हाँ, दुख है, यहाँ है, जल रहा है, और वो बाहर आएगा। उस दिन बाहर आएगा जिस दिन वो बॉम्ब रखने वाला पकड़ा जाएगा। देखना तब धाम से बाहर आएगा वो। तुम फिक्र मत करो, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। पुलिस नहीं पकड़ेगी उन्हें, उन्हें तो मैं पकड़ूंगा। मैं ही उन्हें ढूंढूंगा और मैं उन्हें पकड़ूंगा और सबको एक एक करके मार डालूंगा। क्या कहा, मार डालोगे? तुम प्रोफेशनल मर्डरर हो क्या, या फिर कोई गली के गुंडे हो? कुछ भी हूँ तुम्हें क्या? जैसे चूहा पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, जाल बिछाकर पंछी पकड़ते हैं, वैसे ही मैं उन सबको पकड़ूंगा और साई बाबा के मंदिर पर ले आकर बॉम्ब से उड़ा दूंगा। सुनो, तुम नॉर्मल बात करोगे तो मुझे नॉर्मल लगोगे, पर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें पागल ही समझूंगी। मैंने सोचा तुम दुखी होगे तो तुम्हें नाश्ता देने आ गई, तुम तो उल्टा मुझे शौक दे रहे हो। मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं चलती हूँ। हाँ द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये बात हमारी समझ के बाहर है। सरकार ने पीड़ितों को 1,00,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उनका परिवार इस वक्त किस हाल में है ये बताना हमारा फर्ज है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक परिवार से। मुआवजे के रूप में सरकार आपको 1,00,000 रुपए दे रही है, इससे क्या आप खुश हैं? खुशी कहाँ की खुशी है और कैसी खुशी है। शरीर बूढ़ा हो गया, हाथों में ताकत नहीं, पेट भरने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे घर का एक ही सहारा था वो भी अपाहिज होकर मेरी आंखों के सामने पड़ा रहता है। इस बुढ़ापे में जिसका इकलौता बेटा ऐसी हालत में हो, उसकी क्या दशा होगी बताओ। मेरा सहारा बनने वाला मेरा बेटा आज दूसरे के सहारे जिंदा रहने पर मजबूर है, ये देखकर किसे खुशी होगी बाबू। आज घर की जिम्मेदारी मेरे बेटे की जगह मेरी बहू उठा रही है। बच्चे हंसना खेलना भूल गए हैं, बहू के चेहरे से मुस्कान चली गई।
इकलौता बेटा मुर्दे की तरह पड़ा है, किस बात की खुशी होगी मुझे? मेरे बेटे के बदले मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी तो नहीं गुजर जाएगी। मेरा बेटा सही होता तो जिंदगी भर हमें कमा कर खिलाता है। तो देखा आपने बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार का हाल। कैमरामैन प्रकाश के साथ साई 10 TV। द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को पुलिस ने पहचान लिया है। आरोपियों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट मोबाइल के जरिए ऑपरेट किया था। ये लोग 1 सप्ताह पहले शहर में आ गए थे और यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे, ये बात हमें सूत्रों से पता चली है। अब हम आपको यूज मी लॉज लेके चलते हैं। टेररिस्ट इसी यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे। यही वो लॉज है जिसका टेररिस्ट ने यूज किया था। देखिए, अच्छी तरह से देखिए, यही है यूज मी लॉज। हम उसके ओनर से बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम उनसे सवाल करेंगे। यही है यूज मी लॉज के ओनर। आपको बोलना होगा। देखिए, ये वही ओनर है। बोलिए, आपको बोलना होगा। बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए, बताइए, आपको टेररिस्ट के रहने के लिए जगह दी थी क्या आपने? हाँ दी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या और क्या कहूँ मैं, वो लोग टेररिस्ट का बोर्ड लगाकर सीने में घूम रहे थे क्या? सबकी तरह आए, एड्रेस प्रूफ दिखाया और रहने लगे। मतलब आपका और उसका कोई संबंध नहीं है? उन सबको ट्रेनिंग देकर मैंने ही भेजा है। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? देखिए, अच्छी तरह से देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक कैसी बातें कर रहा है। बताइए इसकी इस हरकत के लिए क्या सलूक करना चाहिए इसके साथ। बताइए आप लोग चुप क्यों हैं? आप सभी लोग बोलेंगे तो ही कुछ क्या बताएंगे? अगर मैं 2 मिनट चुप रहा तो तुम इन सब को मैं उनका लीडर हूं ये बता दोगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है। अगर मैं जानता कि वो टेररिस्ट हैं तो मैं अपना कमरा उन्हें नहीं देता। हाँ छोटू, तुम यूज मी लॉज में काम करते हो क्या? मुझसे मत पूछिए, मैं किसी को नहीं जानता। तुम्हारे घर में और कौन कौन है छोटू? डरो मत छोटू, बताओ ना। मैं, बहन और माँ बाप। कल तक तो मेरे साथ भी सब थे, मॉम, डैड, दीदी, सब लोग। लेकिन 3 दिन पहले सडनली सब छोड़कर चले गए। मुझे ऐसे मत देखो छोटू, मैं जानता हूं तुमने उन्हें देखा है, लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। पर मैं उन्हें नहीं जानता, ना ही मैंने उन्हें देखा है जिन्होंने मेरा परिवार मुझसे छीन लिया। तुम बहुत लकी हो छोटू, अपने परिवार का ख्याल रखना। भाई। हाँ छोटू। भाई, न्यूज में जैसे बताया कि 6 लोग थे, लेकिन वो 2 लोग थे। दिन में वो बाहर नहीं आते थे और रात में बाहर जाते थे वो, मगर उनसे मिलने 2 लोग आते थे। कौन है वो, नाम क्या उनका? ए, पप्पू। एक का नाम पप्पू था और दूसरे का नहीं पता। वो दिखते कैसे हैं? दिखने में ऐसे कुछ खास नहीं थे, हम जैसे ही लोग थे वो। आपकी उम्र के थे। वो लोग कहाँ से आए थे जानते हो? अब कहाँ जाएंगे और कहाँ?
अपनी जगह बंजारा हिल पे जाएंगे। चलो बंजारा हिल्स। थैंक्स छोटू। भाई मैंने जो आपको बताया वो किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा। ओके भाई। अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक है। टोटल चार लोग, उसमें से दो यहाँ के लोकल हैं और दो बाहर के। उसमें से एक का नाम है पप्पू और मुझे ढूंढना है इस पप्पू को। कहाँ मिलेगा ये पप्पू? पप्पू कहाँ मिलेगा? पप्पू कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देश में कहीं भी कोई भी दंगे होते हैं तो उसका संबंध हैदराबाद से होता है। एक जमाने में आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, तो अब क्या हैदराबाद भी एक और आजमगढ़ बनने वाला है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन मुजाहिदीन संगठन के सारे लोग आजमगढ़ के ही हैं। इंडियन मुजाहिदीन, इसके बारे में नेट पर सर्च करना पड़ेगा। इंडियन मुजाहिदीन मेंबर्स अब्दुल कुरैशी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम मुंबई, अबू बशीर उत्तर प्रदेश, अब्दुल रज्जाक मंसूरी एज 27, एम्ब्रॉयडरी यूनिट ओनर, पंकज हैदराबाद से सॉट, पंकज। एक चोर के बारे में तो सिर्फ एक चोर ही बता सकता है, पप्पू। अगर पप्पू मिल गया तो फिर पंकज के बारे में भी पता चल जाएगा, या फिर पंकज को पकड़े तो वो मुझे इन सब के बारे में बता सकता है। मुझे किसी भी तरह पंकज को ढूंढना होगा और फिर मैं पंकज के सहारे पप्पू को आसानी से ढूंढ लूंगा। सो पंकज, एक प्लेट पूरी दो। दे रहा हूँ भैया। ए, हाँ बोला भाई। अबे ये क्या है बे? ये चाय है? क्या हुआ साहब? पंकज ने बोला था यहाँ की चाय अच्छी होती है, तो यहाँ चाय पीने आ गया, लेकिन पीने के बाद लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये पंकज कौन है? ए सर, मैंने ऑर्डर कब दिया था? आधा घंटा पहले। पंकज के फ्रेंड को ऐसी सर्विस देगा तू? आज के बाद से अच्छी सर्विस देना मुझे। जी सर। जानता है मैं कौन हूँ? पंकज का फ्रेंड हूँ। पंकज का फ्रेंड हूँ मैं। ये पंकज कौन है सर? दिखता नहीं क्या बे? देख के जाना। क्यों? तू दिखाएगा क्या? साले बहुत बढ़ रहा है तू है? पंकज का दोस्त तुम्हें मुझसे पंगा लेगा? हाँ पंकज के दोस्त से पंगा? किसी पंकज को नहीं जानते, निकल यहाँ से। आप पंकज के दोस्त हो? हाँ वो मेरा दोस्त है। ठीक है जाइए आप। ए चल निकलते हैं यहाँ से। कौन आ रहे भाई? आप क्या हुआ भाई? अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अरे बोलो ना क्या हुआ भाई? हेलो। कहाँ चले गए हो तुम?
दो दिन से घर में ताला लगा हुआ है। वो लोग मिले तो उन्हें जान से मार दूंगा। उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। अरे ये क्या, तुम अचानक यहाँ कैसे? मेरी बात छोड़ो, तुम्हारा दिमाग तो सही है? रात को शमशान घाट में घूमते रहते हो, तुम्हें बुरे सपने भी आते हैं क्या? तुम्हारी तबीयत कैसी है देखूं तो? ठीक है, तबीयत तो ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होगा, तुम्हें कुछ हुआ है? चलो चले। कहाँ चलना है? हे भगवान, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तक मैंने इसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। ये आधी रात को भूत की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। पंडित जी, सिंदूर बहुत थोड़ा दिया, थोड़ा और दीजिए ना। किस लिए? बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे इस दोस्त को कुछ कम नहीं चलता, सब कुछ उसे ज्यादा चाहिए होता है, वरना ये दुखी हो जाता है, इसलिए। ये लो भगवान का ताबीज है, इसे पहना दो। बस एक, कम से कम 10 तो दीजिए। नहीं नहीं बेटी, एक पहना दो काफी है। अरे पंडित जी, इसे देखिए तो सही, ये कुछ बोले तो मन को शांति मिलेगी, समझ में आएगा परेशानी क्या है, तभी मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ ना। समझने की कोशिश कीजिए। है क्या पागलपन लगा रखा है, अब चलो यहाँ से। देखा आपने, लड़की से कैसे बात करते हैं ये भी नहीं पता, अब आप ही इसे समझाइए। ये अच्छी बात नहीं है, प्यार से बात किया करो। ओ, ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही रहूंगा। ये हुई ना बात। हाँ, पंडित जी, 100 रुपए मिल रहा बेटी, सब सहना पड़ेगा। अब चलो। हे, कौन हो तुम? मुझे किडनैप क्यों किया? क्या चाहिए तुझे, बता कौन हो तू? तेरी तो, वो पंकज कौन है मैं नहीं जानता, और मैं उसका फ्रेंड भी नहीं हूँ। कौन है तू, चाहता क्या? चुप कर, बोलता है। अरे तू चाहता क्या है बताना मुझे। अब सुन, पंकज की तरह ही द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट में पप्पू भी शामिल था, और मुझे वो पप्पू चाहिए। तुम पंकज के बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें पप्पू के बारे में भी पता होगा, इसलिए चुपचाप ये बताओ कि पप्पू कहाँ है, वरना अपने पप्पू से हाथ धो बैठेगा। चल बता, पप्पू कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बता सकता। बता। मैं नहीं जानता भाई। दोनों में से क्या पसंद करेगा? मैं कुछ नहीं जानता भाई। चूज कर। सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मुझे? सच बोल रहा हूँ भाई। बोल किसे मारूं? भाई। सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। सच बोल रहा है ना? सच में बोल रहा हूँ भाई। बोल कहाँ है पप्पू? मुझे नहीं मालूम भाई। जैसे लोग राम नाम जपते हैं, वैसे मैं 3 दिन से पंकज का नाम जप रहा हूँ, तब जाके तू मिला, अब तू बोल रहा है कि तू जानता नहीं उसे। मेरे इतने दिन की मेहनत तो वेस्ट हो गई ना। तेरे पास फोन है ना? स्मार्टफोन है भैया। परसों जो लड़के लोगों को मारा ना भाई, व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया है, दे दे मुझे। क्या ये? ये तो अपना रियाज है। क्या हो गया इसको, किसने भेजा इसे? अरे ये उसी के नंबर से आया है। हे, तुम्हें कोई वीडियो मिला है क्या? यही है ना वो, कल तूने किया था झगड़ा, जब से झगड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? ए, मुझे भी आया है यार। ये तो सिर्फ हमारे पास है, तुम्हें कैसे मिला? क्या बताऊँ यार, मैं पंकज का फ्रेंड हूँ, वो भी पंकज का फ्रेंड है, तो उसने मुझे भी भेज दिया होगा। हाँ, एक बात बताओ, उस वीडियो के साथ कोई मैसेज भी आया था क्या? नहीं भैया, मेरे पास तो आया था। कौन सा मैसेज? देखो, पत्थरघट्टी पप्पू को ले आओ और अपने दोस्त को छुड़ा के ले जाओ। ये पत्थरघट्टी कौन है रे? अरे यार कोई भी हो, हमें उससे क्या, उसने हमारे फ्रेंड को किडनैप किया है, क्या हम लोग चुप रहेंगे? दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही उसूल है, हमारे फ्रेंड्स हमारी जान है और हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, सिर्फ बोलना नहीं है कुछ करना भी है, और आज हमें मौका मिला है दोस्तों कि हम दिखा दें कि हमारे फ्रेंडशिप का पावर क्या है। दोस्तों, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के खातिर कर रहे हैं, जान दे देंगे लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे, क्या कहते हो? नहीं छोड़ेंगे, एक साथ बोलो। उसे हमारे जान की जरूरत नहीं है, उसे तो पत्थरघट्टी पप्पू चाहिए। ये पत्थरघट्टी पप्पू कौन है, कहाँ मिलेगा हमें? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये पत्थरघट्टी पप्पू तो पत्थरघट्टी एरिया में ही मिलेगा ना। उस पत्थरघट्टी में जितने भी पप्पू होंगे, छोटे से लेकर बड़ा तक, बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक, हमें सबके डेटा कलेक्ट करने होंगे। हमें तो उस आदमी को सिर्फ पप्पू को देना है और हमारा फ्रेंड वापस मिल जाएगा, क्या कहते हो? दोस्तों, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त की खातिर कर रहे हैं। जान दे देंगे मगर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे मगर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। जोर से बोलो। जान दे देंगे मगर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। अब सब निकलते हैं, डेटा कलेक्ट करके शाम को यहीं मिलेंगे। चलो चलो।
भाई पूरा डेटा कलेक्ट किया है, ये रही लिस्ट। टोटल कितने हैं? 88 के लगभग। अब उसमें से वो पत्थर कट्टे पप्पू कौन है? आपकी उम्र के थे। हाँ, इसमें से 20 और 30 के बीच में कितने लोग हैं? 6 मेंबर्स। उनके डिटेल्स बताओ। पप्पू असली नाम दुलकर, कपड़े की दुकान पे काम करता है। पप्पू असली नाम सलमान, बीटेक करके खाली बैठा है। पप्पू असली नाम जुनैब, दूध बेचता है। पप्पू असली नाम फैजल, फूल बेचता है। पप्पू असली नाम जनीब, बाइक मैकेनिक। पप्पू असली नाम असगर, मोबाइल रिपेयरर। कपड़ा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, दूध बेचने वाला और बीटेक करके बेरोजगार, मोबाइल रिपेयरिंग, बाइक मैकेनिक। कपड़ा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, इन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इन्हें हटा देते हैं। बीटेक वाला बेरोजगार, दूध बेचने वाला बॉम्ब फिट करने के लायक नहीं है, बाइक मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग। बॉम्ब तो बाइक में नहीं लगाया, लेकिन बॉम्ब ऑपरेट कैसे किया? आरोपी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट मोबाइल के जरिए ऑपरेट किया था। यस, मोबाइल शॉप का एड्रेस दो। ये देखो भाई, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। पप्पू तू तो फंस गया, तुम लोग निकलो, मैं फ्रेंड को लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, चलते। मुझे पप्पू का एड्रेस मिल गया तुम्हारी वजह से। एक्चुअली मैं तुझे मारने वाला था, लेकिन तेरे फ्रेंड्स ने बहुत मेहनत किया तेरे लिए, तो शायद तू अच्छा इंसान होगा। ऐसे क्यों? कोई ढंग का काम करो। और हाँ, एक और बात, हम दोनों मिले ये बात किसी को मत बताना। अब चुपचाप यहाँ से निकल ले। ठीक है भाई, चल। कहाँ रह गया ये, कब आएगा? जल्दी आना। दरवाजा कैसे खुला रह गया था? ये तो सितम ढा रही है। मेरे दिल की घंटी टिंग टिंग कर रही है। उफ, ये कमर मुझे बेहोश करने का इरादा है यार, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये क्या हो रहा है मेरे दिल में, कुछ तो करना पड़ेगा। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कौन है? जाके ढंग के कपड़े पहन कर आओ। ये क्या पहन के घूम रही हो? क्यों, मैंने अच्छी साड़ी नहीं पहनी है? साड़ी तो बहुत अच्छी है। हुँ? पर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई तो? गलती करने से पहले पता है तुम्हें? क्या पता है? तुम पहले से काफी चेंज हो गए हो। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम अब मेरी नजर से नजर मिलाकर नहीं देख सकते। सच कहा ना? नजर से नजर डालूं तो क्या हो जाएगा, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? हम लड़कियों की नजरें तुम लड़कों से तेज होती है। तुम लड़के तो हमारे सामने हार ही जाते हो। नजरें मिलानी है, पर उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे मत बोलना। हाँ? क्या करोगे? मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी, तुम्हें जो करना है करो। प्लीज मुझसे नजरें मत मिलाओ, तुम्हें पता नहीं मुझे क्या होता है। बताओ क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। कौन है रे तू? पप्पू कहाँ है? इधर पप्पू। पप्पू कोई नहीं, चल निकल। पप्पू से मिलने आया हूँ। अरे बोला ना, निकल चल। पप्पू कहाँ है? चल फोर। अरे वाह, यहाँ तो बहुत से लोग आ गए, इनमें से पप्पू कौन है बोलना? तुम में से पप्पू कौन है? नहीं बताया तो? बताया, हम नहीं बताएंगे। ये बता पप्पू कौन है, मैं सिर्फ उसी को ले जाऊंगा, वरना सबका यही है। नहीं।
बता दो जिंदा रहोगे वरना सारे के सारे मारे जाओगे। अबे सिर्फ चार लोग बचे हो, बता दो कौन है। यार तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती, चुपचाप ये बता दो कि पप्पू कौन है और अपनी जान बचा लो ना। ए, अब तुम दोनों बचे हो, बता दो दोनों में पप्पू कौन है। वो है भाई, भाई। वही है। अबे ये कैसे हो सकता है, ये होता तो तुम लोग पहले बता देते, ये तो नहीं है। ये बताओ तुम दोनों में से कौन है। ये भाई। नहीं भाई ये है। नहीं नहीं भाई यही है, यही भाई। क्या क्वेश्चन पेपर ला दिया। आईफोन का प्राइस क्या है? 50,000 है भाई। पप्पू तुम्हारा मोबाइल शॉप है ना, कितना भागेगा भाई। नाइस टू मीट यू पप्पू। चल पप्पू तो मुझे मिल गया, तू निकल ले। ठीक है। अबे कहाँ जा रहा है, ऊपर बोला। देख क्यूट फैमिली है ना, देख तूने क्या किया। एक और वीडियो देख ले, बहुत खूबसूरत है ना ये। इसके मन में न जाने कितने सपने होंगे अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, पता है इसके साथ क्या हुआ, देख ले। अरे बहुत से लोग हैं रे, कितने को गिनेगा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मासूम हैं। इन लोगों की गलती क्या थी, इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। अगर सड़क पर कचरा पड़ा हो तो हम उसकी बदबू तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वहां क्या हुआ, एक साथ 100-100 लोग जल रहे थे। तुझे वहां की बदबू का अंदाजा है, लोगों के दर्द और चीखों का अंदाजा है तुझे। एक का पैर कट गया था, किसी ने अपना पति खो दिया, एक मां ने बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बीवी खो दी। अरे तू क्या समझेगा, क्योंकि वहां तेरे मां बाप बहन बेटी नहीं जल रहे थे। एक माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पाई जब तक कि उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, इतना जल गया था वो। अब चल चुपचाप बता, वो यूज मी लॉज में जो भी लोग हैं वो कहाँ रहेंगे और उनके नाम क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। चल बता, जो पूछ रहा हूँ साफ साफ बता दे, वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। मैं एक पुलिस की तरह तुझे स्टेप बाय स्टेप टॉर्चर करके नहीं मारूंगा, वो तरीका नहीं पता है मुझे। गुस्से से जलता हुआ आम इंसान हूं मैं, इसलिए मैं तुझे मारूंगा या तुझे चीरूंगा मुझे खुद नहीं पता, इसलिए ईमानदारी से सब कुछ बोल दे, बोल दे, बोल दे। तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है प्रैक्टिकल में बताता हूँ। ये देख इसे कहते हैं डंबल, देख ले, इसे मारा तो तेरे सारे दांत टूट जाएंगे, देखेगा देखेगा। नहीं ये देख, नहीं नहीं नहीं। सॉरी दोस्त, दांतों के साथ खून भी निकला है। अब बारी है तेरी आंखों की, अब जरा सोच, तेरी आंखों में अगर गरम तेल डाल दिया जाए तो तुझे कैसा लगेगा, दिखाओ तुझे, दिखाओ, देखा तुझे, रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे भी दिखा, अभी आता हूं, बताओ तेल ले, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ बताता हूं, बता 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 जल्दी बता, चल बता बोल। उस दिन हम लोग मिले थे 761-762 में। बस इतना ही मैं जानता हूं। हेलो बेटा,
सो रहे हो क्या? अरे कौन है, सुबह सुबह फोन करके परेशान मत कर वरना फोन में बेटा मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी अंकल। हाँ अंकल बोलिए। कुछ नहीं बेटा, तुम एक बार घर तो आओ, बेटी की शादी की बात करनी थी। ठीक है अंकल, मैं बस अभी आता हूँ, लगता है आपको शादी की बहुत जल्दी है। अगर सब सही रहा तो ऐसा ही करेंगे बेटा, तुम पहले आओ तो सही। ओके अंकल मैं आ रहा हूँ। क्या बात है, इसे तो मुझसे ज्यादा जल्दी अपनी शादी की, इतनी जल्दी अपने पापा को भी बता दिया। हाय अंकल। आओ बेटा, कैसे हो? अच्छा बैठो। क्या बात है, कपड़े वपड़े मस्त पहन कर निकले हो, कोई खास बात है क्या है? वो आपसे शादी की बात करनी थी ना। गुड। तो फिर बताइए क्या बात है? बात करेंगे बेटा, पक्का बात करेंगे, पहले कॉफी तो पी लो। अंकल तो बिल्कुल फॉर्म में है। कॉफी लेकर आओ। हाँ पंडित जी, लड़का आ गया है। पंडित जी आप 11 बजे तक आ जाए तो अच्छा रहेगा। पंडित जी हाँ ठीक है। इन्होंने तो पंडित को भी बुला लिया, बाप तो बेटी से भी ज्यादा फास्ट निकला, पर इनकी बेटी है कहाँ? क्यों बेटी, कॉफी तुमने बनाई है? जी पिताजी। क्यों बेटा, कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी है अंकल। तो क्या है बेटा कि आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं? पता चल रहा है अंकल। घर में काम बहुत है, सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अरे बाप रे, कोई हेल्प हो तो मुझे बताइए। तुम तो हेल्पिंग नेचर के हो ही बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हारे जैसा ही होता। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ अंकल, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत कह दिया मैंने? आपने बेटा बोल दिया। मतलब शादी की बात करें ना आपको? हाँ तो इस रिश्ते से आगे बात करना अच्छा नहीं लगता। लड़का कोयम्बटूर से आ रहा है, सब अच्छा लगेगा। तो आपने मुझे शादी की बात करने के लिए नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं। क्या? काम करने के लिए। ये आइडिया तुम्हारा था? मैंने ही कहा था बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। आप रिश्ते मत बनाइए, सुना नहीं जाता। काम क्या करवाना है बताइए, कर दूंगा। बहुत छोटा सा काम है, मार्केट में जाकर के फूल लाना है और मिठाई की दुकान से मिठाइयां लानी है और लौटते समय रास्ते में दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल। समझ गया। अरे पैसे तो ले लो बेटा। पिताजी उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो ले आएगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। आ बेटा यहाँ रख दो। नौकर समझ रखा है क्या? बैठो बेटी, लड़की को तो देखो। अंकल ये कौन है? सामने वाले घर में रहता है। ओह मेरे बेटे की तरह ही। अंकल आप रिश्ता मत जोड़िए, गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं आपको इतने दिन से अंकल अंकल कहते आ रहा हूँ ना। हाँ मुझे ससुर बोलना है आपको। हाँ? मुझसे नहीं होगा अंकल। नहीं, अंकल कहने से प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझसे अब नहीं होता ससुर जी। हाँ? अब नाटक नहीं होता, मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? आपसे नहीं, आपकी बेटी से। रानी आई लव यू। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या कर रहे हो बेटा? रुकिए ससुर जी। देखो रानी, अब तक हर रोज रात में तुम्हारा ही नाम सोचकर सोता हूँ। अरे सोचने से क्या फायदा? फायदा उसे पता है ससुर जी। देखो रानी मैं फिर से कहता हूँ, आई लव यू। तुम्हें इससे करनी है, इस छछुंदर से शादी करनी है? पापा क्या है ये सब? अरे क्या बोल रहे हो तुम? चलता हूँ ससुर जी। देखिए आप बुरा मत मानिए। द्वारका नगर ब्लास्ट में जुड़े पप्पू नाम के व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने मार के उसे पार्क में फेंक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। भावेश अभी वहाँ के हालात क्या है? अभी यहाँ लाश पे एक चिट्ठी पाई गई है जिसमें लिखा हुआ है 761762, जो बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, और इसमें ये भी लिखा है कि मैं इससे जुड़े हुए सभी गुनाहगारों को मार डालूंगा। देखा सर? कौन है वो? पता नहीं। कहाँ रहता? मुझे नहीं मालूम। तो क्या मालूम? वो चाहे जो भी हो, वो कल का सूरज नहीं देखेगा। वो सामने उस घर में रहता है। हाय गाइस, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो ना? वो मेरा ही घर है। 10 बज चुके हैं, कॉलोनी में सब आराम से सो रहे हैं। यहाँ पीछे ग्राउंड है, वहां चल के आराम से बात करते हैं।
लोग तो बड़े फास्ट हो यार, बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पर। भाई बोल। मिल गया वो, फोन उसे दे। ले भाई से बात कर। भाई मतलब नाम क्या है, काम क्या है? नाम काम से क्या लेना, भाई से बात कर। नहीं करूंगा, बोल दे उसे मुझे उससे बात नहीं करनी। भाई लाउड स्पीकर ऑन कर। यारे मैं कौन हूँ नहीं बताएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा? नहीं बात करूंगा। तो फिर सुन, द्वारका नगर में दिवाली मनाने वाला मैं ही हूँ। इतने दिन से मैं तुझसे ही बात करने का इंतजार कर रहा था। तूने इन टट्टुओं को क्या कह के भेजा मुझे नहीं पता, पर ये मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। 10 मिनट के बाद फोन कर, तब तक मैं इन्हें सुला देता। मुझसे बात कर। बोला ना, 10 मिनट बाद जी भर के कर लेना। अरे शाबाश, टाइमिंग तो तेरी बहुत अच्छी है। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मुझे तू चाहिए, तुझे जान से मारना है। मुझे मारोगे? मैं कौन हूँ जानते हो? नहीं जानता। कहाँ रहता हूँ जानते हो? नहीं जानता। कैसा दिखता हूँ जानते हो? नहीं जानता। तो बिना पहचान के मुझ तक कैसे पहुँचोगे? मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू आएगा मेरे पास भाग के। मेरी बात लिख के ले ले, मैं ऐसा काम करूंगा कि तू दौड़ते भागते मेरे पास आएगा। मुझे जानते नहीं और अपने पास बुला लोगे? जानता हूँ, तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तू द्वारका नगर ब्लास्ट के लिए 2 साल से प्लान कर रहा था। तू राजस्थान बॉर्डर पार करके यहाँ पर आया है और तुझे यहाँ रिसीव करने वाला कुरेशी है। तू यहाँ से मुंबई गया था, मुंबई में तुझे पनाह देने वाला फैजल है। 1 हफ्ते पहले तू हैदराबाद आया था, तुझे यहाँ फेक सिम कार्ड, फेक पासपोर्ट देने वाला और तुझे यहाँ पनाह देने वाला असगर है। इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे बॉम्ब सप्लाई सैयद ने किया था। अमोनियम लाने वाला अकबर है। इस तरह तुझे जाने अनजाने हेल्प करने वाले टोटल 13 लोग थे और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और रही तेरी बात, तो जिस दिन तू मेरी आंखों के सामने आएगा उसी दिन तेरी स्पेशल दिवाली होगी। तुझे ऐसे जलाऊंगा कि तेरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं दिखेगा। जितनी दूर तू मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है कर ले, कर ले, लेकिन तू मरेगा तो मेरे ही हाथों, मेरे हाथों मरेगा तू। सेवन सिक्स वन सेवन सिक्स टू क्या है, क्या हो सकता है? लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका मतलब सारी दुनिया में लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर है। व्हाट अबाउट 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया? मतलब 6 नंबर पर है हैदराबाद। 7 इंडिया 6 हैदराबाद, तो फिर ये 1 और 2 क्या है? मे बी ये पर्सन होंगे
और उनमें से 761 मतलब मेन पर्सन होगा, 762 मतलब उसका असिस्टेंट होगा। इन्हें भी पकड़ना होगा, लेकिन कैसे? तुमने उसे इतना भड़काया क्यों? वो जो कोई भी है उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। वो सिर्फ हुआ है वही जानता है, लेकिन जो होने वाला है वो नहीं जानता। एक और बात, हम यहीं हैदराबाद में, उसे यही पता है। हम उसके पास कैसे जाएंगे वो यही सोचता होगा। उसे ऐसे ही सोचने दो, तब तक हम अपना काम पूरा कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम रात को मेरा फोन कट करती हो और सुबह होते पूछती हो कि आप कौन बोल रहे हैं। तुम जैसे लोगों से बचना भी तो पड़ता है, तुम्हारे सामने से तो नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भेजे में कुछ कचरा घुस गया, जरा देखने दो। ए रानी, अरे क्या हुआ यार? परसों रात को पब में तुमने क्या किया? ओ, तो तुमने देख लिया। वैसे इतनी रात को तुम बाहर कर क्या रही थी? चुपचाप चद्दर तान के सो जाती तो मैं तुम्हारे सपने में आ जाता। कहाँ? सपने में आएगा? और कहाँ आऊंगा, क्या यहाँ आऊंगा? अरे अरे, ये ऑफिस है। हाँ तो सब देख रहे हैं। छोड़ो ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या हुआ, तुम इस तरह आवाज क्यों निकाल रही हो? क्या चाहिए तुम्हें बोलो। जो चाहिए वो मिलेगा क्या? हो सकेगा तो दे दूंगी, नहीं हो सका तो भी देना पड़ेगा। फोन किया तो कट करोगी? नहीं करूंगी। मुझे नहीं पहचानने की गलती करोगी? नहीं करूंगी। मुझसे शादी करोगी? नहीं करूंगी। करूंगी करूंगी। ठीक है तो जाओ। ये रहा उसका घर, अगर हम 10 मिनट रुके तो उसे देख सकते हैं। उसके ऑफिस से आने का समय हो गया है। जरूरत नहीं है, चलो। ये 761 और 762 दोनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, पर ये दोनों होंगे कहाँ? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? क्लाइंट हेड ने फोन किया था। ये तो अच्छी बात है ना। दिमाग खराब करके रखा है। दिमाग खराब कर दिया? और नहीं तो क्या। क्या दिमाग खराब कर दिया? और नहीं तो क्या, मैंने उसका काम नहीं किया। टीएल मैनेजर ने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिपार्टमेंट हेड को बताया होगा, और डिपार्टमेंट हेड ने क्लाइंट हेड को बताया होगा, और फिर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरी डेली रिपोर्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट यूएसए क्लाइंट हेड को दे देनी चाहिए। क्या कहा? अपने डेली की रिपोर्ट ऊपर वाले को पहुंचा देनी चाहिए, यही बोला। मतलब हम यहाँ पर काम करते हैं और हमसे काम कराने वाला क्लाइंट हेड कहीं और रहता है, पर हम जो भी करते हैं उसे पता चल जाता है। फिर तो 761 और 762 से काम कराने वाला वो क्लाइंट हेड कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा, वहीं से कंट्रोल करता होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं और